एक एक करके हम पत्ते तोड़ेंगे, जितना मुझे ज़रूरत है पत्ते की। देखिए हमने इतने पत्ते तोड़ के रख लिए हैं। पत्ते तोड़ने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पानी में धो के और रखे हैं। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक बर्तन में डालेंगे 1/2 कप बेसन, 1/2 टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका बैटर बना लेंगे। जितना ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे बैटर को, ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना ज़्यादा पतला। देखिए तैयार है हमारा बैटर। अब चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने पैन को गरम करके कर लिए हैं। अब इसमें डाल रहे रिफाइंड ऑयल, बैटर में एक एक करके पत्ते डाल देंगे, अच्छी तरह से डिप कर देंगे इसे। अभी तेल को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तेल देखिए गरम हो गया। अब हम डिप किए हुए पत्ते को एक एक करके डाल देंगे कढ़ाई में। जितना कढ़ाई में जगह उतना पत्ते हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम सारे पत्ते डाल देंगे। अजवाइन के पत्ते हेल्थ के हिसाब से बहुत ही लाभदायक होता है। ये सर्दी खांसी में भी बहुत बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये पत्ते को आप पानी में उबाल के पिए तो गैस कम हो जाता है। सर्दी खांसी में इसका ऐसे इस तरह से भजिया बना के खाए या उबाल के पानी पिए बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए एक साइड ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पलट देते हैं। इस तरह से हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे को बाहर निकाल लेंगे। अगर आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तैयार है हमारा अजवाइन का भजिया।